हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूटीन लाइफ विद शिखा। आज हम लोग देखेंगे मैंगो पुडिंग। अभी मैंगो की सीज़न तो चली रही है, तो चलिए मैंगो से बनी हुई एक डेजर्ट रेसिपी फटाफट से सीख लेते हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। जिसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा 2 राइप मैंगोज़। यहाँ पर मैंने अल्फांसोस मैंगोज़ ली है, आप लोग कोई भी वेराइटी की मैंगो यूज़ कर सकते हो। और उसे हम लोग कट करके उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। ये देखिए, मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कट करती हूँ। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे सारे मैंगोज़ को। तो यहाँ पे मैंने कट करके रेडी रखा है। अभी हम लोग उसके अंदर मिलाएंगे शुगर। शुगर हम लोगों को लेना है 1/4 कप जितना। अगेन उसकी क्वांटिटी आप लोग अपनी मैंगोज़ कैसी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम लोग उसमें मिलाएंगे तकरीबन 1 कप से ऊपर जितना दूध, और थोड़ा सा दूध बचा लेंगे हम लोग ताकि हम लोगों को जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर रेडी करना है ना, उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 1/4 कप जितना। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप लोग कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। उसमें हम लोग मिला लेंगे जो हमारा बचा हुआ दूध था ना वो, और दूध हमारा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहे। अभी चलते हैं हमारे मैंगो और मिल्क के मिक्सचर की तरफ। तो उसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि उसका एक स्मूथ प्योरे रेडी हो जाए, लाइक अ मिल्क शेक, है ना। तो बस हमारा ये प्योरी रेडी है। अभी हम लोग उसको एक नॉनस्टिक पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि नॉनस्टिक पैन मैंने इसीलिए लिया है ताकि जो मिक्सर है वो नीचे चिपके नहीं। अगर आपको आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप लोग स्टील के वेसल में भी बना सकते हो, और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारे मिक्सर को, ताकि वो अच्छे से पैन में फैल जाए और चारों तरफ से कुक होना शुरू हो जाए। तो मैंगो का सीज़न चल रहा है ना दोस्तों, तो मेरे घर पे तो आ गई है मैंगो, आई होप आपके घर पे भी आ गई होगी। तो बस उससे बनी हुई नई नई रेसिपीज इस बार सीखेंगे समर सीजन में। चलिए, तो अभी जैसे ही मिक्सर में बॉईल आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिक्सर है ना, वो हम लोग इसमें मिलाएंगे। और वो ऐड करते समय ना हम लोगों को मिक्सर को कंटिन्यूस हिलाना है ताकि उसमें लम्प्स नहीं पड़े बिल्कुल भी। लम्प फ्री मिक्सचर हमारा रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं पुडिंग, वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला ही अच्छा लगता है। वो ऐसा थोड़ा भी लम्प्स अगर उसमें आ जाएगा ना, तो उसमें अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा। तो उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी उसकी आ जाए। तो बस ये देखिए, करीब 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद हम लोग देख सकते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इट मींस कि हमारा जो मिक्सचर है पुडिंग का, वो एकदम प्रॉपर है। अभी इस स्टेज पे हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही हम लोग उसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस। यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन का जूस लिया है। मेक श्योर कि लेमन जूस आप लोग एकदम लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग ये जो हमारा मिक्सचर है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग मोल्ड में, जिसमें भी आप लोगों को अपना जो पुडिंग है वो सेट करना है। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सर्विंग वाले मोल्ड लिए हैं। आप चाहो तो बड़ी साइज़ का भी एक सर्विंग कर सकते हो। बस अभी उसको थोड़ा सा एयर बबल्स रिमूव करने के लिए थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और उसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे। और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग उसको रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन 3 आवर्स के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम स्मूथ टेक्सचर आया है ना। अभी देखिए 3 आवर्स के बाद ये मूस जो है, हमारा जो पुडिंग है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अभी उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और देखते हैं उसका शेप कैसा आया है। एंड हियर इट इज़ रेडी। वाव, देखिए कितने अच्छे से डी मोल्ड हो गया है, और उसका टेक्सचर देखिए आप, कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट टेक्सचर है उसका, है ना। अभी उसको गार्निश कर देते हैं थोड़े से मैंगो पीसेस के साथ, और थोड़ा सा मैंने एक मिंट लीव लिया है, तो बस उसे गार्निश कर देंगे। आप लोग चाहो आपके मनपसंद तरीके से गार्निश कर सकते हो, कैरेमल भी यूज़ कर सकते हो। एंड हियर इट इज़ रेडी। जस्ट लुक एट द टेक्स्चर, जस्ट लुक एट द शाइनिंग ऑफ द हमारा जो पुडिंग है उसका शाइनिंग देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है, यकीन मानिए। आप लोग भी घर पे ज़रूर बनाइएगा,
और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और एक बार से ज़रूर बनाइएगा मेरी ये रेसिपी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।